हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी मूर्तियाँ रखना आपके लिए लाभदायक होगा। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। हर कोई चाहता है कि उसका घर देखने में सुंदर लगे ताकि सभी उनके घर की तारीफ करें। इसलिए हम सभी अपने घरों को सजाने संवारने के लिए कई तरह के शोपीस और मूर्तियां आदि लाते हैं। इनमें से कई प्रतिमाएं घर के लिए बहुत शुभ होती हैं तो कुछ नकारात्मकता को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार घर के निर्माण से लेकर साज सजावट का संबंध भी आपकी तरक्की, आर्थिक स्थिति और खुशहाली से होता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखना बेहद शुभ होता है। इन मूर्तियों को घर में रखने से तरक्की और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। आपके घर में सकारात्मकता आती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वे मूर्तियाँ। हाथी। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। हंस। वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हो तो शयन कक्ष में हंस के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। कछुआ। फेंगशुई वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का भी वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना है। गाय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा माना जाता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। ऊंट। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है, आपके करियर को फायदा पहुंचता है। ये थी जानकारी कि आप कैसे घर में लाभ प्राप्त कर सकते हैं कुछ मूर्तियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।